आज भारतीय युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र बुल्लर के नेतृत्व में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में बेरोजगार हुए गरीब मजदूर वर्ग को 10,000 रूपए एक मुश्त न्याय राशि के रूप में दिए जाने तथा आगामी 6 महीने तक 7,500 रूपए देने की मांग की। आज काशीपुर तहसील में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र बुल्लर, प्रदेश महासचिव अब्दुल कादिर तथा विधानसभा अध्यक्ष प्रभात सहानी के संयुक्त नेतृत्व में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तहसील परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार कार्यालय में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से युवा कांग्रेस ने लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए मजदूरों के परिवार को 10,000 रूपए की तत्काल सहायता तथा अगले 6 महीने तक 7,500 रूपए 6 महीने तक प्रतिमाह देने की मांग की। साथ ही मनरेगा में 200 दिन का रोजगार देने, किसानों की खराब फसल पर मुआवजा देने तथा क्वारंटाइन सेंटरों की हालत सुधारे जाने की मांग की। साथ ही इसके उपरांत कार्यकर्ताओं ने पंत पार्क में सांकेतिक धरना भी दिया। प्रदेश भर में आज ज्ञापन देने का और सांकेतिक धरना देकर के सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि मनरेगा के जो कार्य दिवस हैं उनकी अवधि बढ़ा करके कम से कम 200 दिन का रोजगार गाँव में लोगों को मनरेगा के माध्यम से दिया जाए। जो किसानों की फसलें खराब हुई हैं, मौसम की मार जिन्होंने झेली है, उनका आकलन करके उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और न्याय योजना लागू कर कम से कम 6 महीने तक देश के निम्न आय वर्ग की आबादी को और श्रमिकों को 7,500 रुपये डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए उनके अकाउंट्स में, ताकि वो उनकी आजीविका सुचारू रूप से चल सके। और एक मुख्य बात हम कहना चाहते हैं कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स की सुविधाएं हैं, जो उनको उनमें बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। अगर उनमें सुधार नहीं हुए तो हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे और कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई कमज़ोर पड़ेगी। कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें हम लोगों ने सरकार से कुछ मांगी। इसमें यह है कि जो सरकार ने मनरेगा योजना चला रखी थी उसमें कम से कम 200 दिवसीय रोजगार मजदूरों को दिया जाए, जिससे वो पैसा सीधे डायरेक्ट मजदूरों के खाते में आए और वो अपना जीवन निर्वाह कर पाए। दूसरा है कि जो फसल बर्बाद हुई है इस समय बारिश की वजह से, उसमें किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। और जो क्वारंटाइन सेंटर बने हैं जिसमें अनियमितताएँ पाई जा रही हैं, जैसे कभी लड़की को सांप काटने से लड़की मर गई, या कहीं खाने में कीड़े निकल रहे हैं, या जो पहले पॉजिटिव पाए गए क्वारंटाइन सेंटर उनमें सैनिटाइज नहीं हुआ, उसके बाद वहाँ मजदूरों को रख दिया गया, तो ऐसी अनियमितताएँ ना हो हमारे भाइयों के साथ। इस संबंध में हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से कि सरकार इन चीज़ों को ध्यान में लाए और इन ऐसी चीज़ों की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो।